शास्त्र के अंदर आता है केशव देव भगवान की मूर्ति मथुरा के अंदर वह यमनों ने तोड़ दी थी, और ऐसा इतिहास के अंदर कहा जाता है कि उस मूर्ति को तोड़कर कौन से आगरा के मकबरे की सीढ़ियों में उस मूर्ति के अवशेष डाल दिए, और ये कहा गया कि जो भी किसी को मुसलमान बनना है उसको इन सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। जब धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, क्या आपको लगता है बड़े बड़े रसिकाचार्यों के बीच में से, बड़े बड़े भक्तों वैष्णवों के बीच में से कोई ऐसे ठाकुर जी की इतनी बड़ा श्री विग्रह ऐसे ही ले जाएगा, और ले जाने के बाद उनके प्राणांत नहीं होंगे? ठाकुर जी का श्री विग्रह है, तब विसर्जन कर दिया कि विपत्ति ना आ गया, फॉर्म को काट दियो, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो भगवान प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है, प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, पर तब करवाएं जब सक्षम बन जाए। मैं ऐसा कई बार देखता हूं कि एक ने अपनी अपनी सेवा करनी शुरू करी, उसका भाव देखा, दूसरे भगत जावे और कहे भैया ऐसा हो कि शुरू हुआ, पहले तो हम भी बड़ी ठाकुर जी की उपासना करते, अब तो हमसे नहीं हो पा रही, तो हमारे ठाकुर जी ले लो। मतलब ऐसे हमने कई जगह पर देखा है कि एक ठाकुर से शुरू हुए, आज उनके यहाँ पे 20-20 ठाकुर जी धरे हुए हैं। कोई भगत आ गया मान्य दे दिए, कहीं इधर से आया मान्य दे दिए, बाहर विदेशन में तो विदेशन के मंदिर में तो एक टेबल लगी रह गए, बा टेबल को काम ये है कि जिसके घर में से जो ठाकुर जी हुए तो पूजा नहीं करना चाहे वो बा टेबल पे धर दे, और जिसे बाकी पूजा करनी है वो चुपचाप वहां से ले जाए। हम भी जब पहली बार आश्चर्यचकित हुए, इतनी बड़ी टेबल बापे जे जे ऐसी ऐसी मूर्तियां धरी थी। अब इसमें बड़ा भाव है समझो, तो कोई दुकान से ले आए, और दुकान से ले आने के बाद माने गई कि ले गई, ये तो हमारे पर नहीं आए, प्राण प्रतिष्ठा तो वही ना है, मोबाइल बिना कनेक्शन को खरीदो, फोन तो वही बोल रहा है, दासे कहो ताकि प्राण प्रतिष्ठा करा ले, इतनी क्षमता नहीं, कुछ अपराध हो गए तो अपराध को डर है तो यानी कि देश में गलती है, अपराध अभी नहीं हो रहे होंगे तो उसको सुधारो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ठाकुर जी की सेवा तो कर रहे हैं पर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, बहुत सेवा कर रहे हैं परंतु प्राण प्रतिष्ठा उनमें नहीं, बिना प्राण प्रतिष्ठित ठाकुर की। अच्छा, और आठ ही प्रकार के शास्त्रों के अंदर मूर्तियां बता रखी हैं जिनका हम जिनकी हम उपासना कर सकते हैं। अब तो चाइना वाली जो कन्हैया जैसी दिखे बाय भी ले लेके मंदिर में बैठाई हुई है, भैया बाकी तो शास्त्र बिल्कुल ही विरोध में, कौन सा पेंट लगो, कौन सा मेटीरियल है, वैसे कौन सा कन्हैया तुमने बनाए दियो, बाकी अंदर थोड़ी ना फोन फोन की तो होना चाहिए, कोई बच्चा को प्लास्टिक को फोन लेके आ जाए और यो बोले जे असली वालों फोन है, तो भैया असली वालों फोन है, नकली वालों फोन नकली वालों फोन है, दोनों में अंतर तो है ना। तो शास्त्रीय विधान है आठ प्रकार की ही, जैसे बता रखा है कि पीतल की हो, पाषाण की हो, शाही से चित्र बनाए के हो, नाम हो, तो ये सब जितनी भी है, स्वर्ण की हो, अष्ट धातु की हो, ही आप उपासना कर सकते हैं। श्री जगन्नाथ है कास्ट की उपासना हो सकती है, कास्ट की कई मूर्तियां हैं श्री विग्रह, चित्र है चित्र का हो सकता है, पाषाण हो सकता है पत्थर। श्री सीता मैया ने श्री राम जी के तीर की नोक से कृष्ण लीला
बनाई थी उपेर कर, जो आज भी टोटा गोपी नाथ में जिसके दर्शन सुबह के समय, टोटा गोपी नहीं घीर चोरा गोपी नाथ में आज भी मंगला के समय पर उसके दर्शन होते हैं। पूजनी पत्थर पाषाण है उसको हो सकती, कोई चाइना को लेके आए के बैठाए थे तो थोड़ी ना ठाकुर जी उपासना ऊपर बैठने के लिए थोड़ी है। वो दीख जरूर रहा है आकार से, परंतु उसके अंदर चित्त है। सो भगवान कोई आए के बोले भाव तो हमारे पूरे हैं, तो क्या वो ठाकुर जी ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो क्या वो सुनेंगे नहीं हमारी, ऐसे बोले हमसे कई बार। देखो ठाकुर जी तो सर्वसमर्थ है, मैं तो नहीं बोल सकता हूं कि ठाकुर जी सर्वसमर्थ नहीं है। ठाकुर जी तो जिसके पास मूर्ति ना हो उसकी भी सुन सकता, परंतु शास्त्रीय विधान यही है कि आप प्राण प्रतिष्ठा करो।